Once again a very good morning to everyone. Today we are going to start with a new topic, and that topic is rules of divisibility. Rules of divisibility में हमारा first rule है the test of divisibility by 7. मतलब हमें 7 का test करना है divisibility में. A number is divisible by 7 if the difference between twice the last digit and the number formed by the remaining digit is either 0 or a multiple of 7. Means इसमें क्या करना है कि जो आपको given number होगा, now we explain by a example. तो हम example लेते हैं 3325. तो इसमें क्या गिवन है कि जो लास्ट आपका जो लास्ट डिजिट होगी गिवन नंबर में, जो लास्ट डिजिट होगी मतलब वंस प्लेस जो होगा, उसमें सबसे पहले उसको क्या करना है, उसका ट्वाइस करना है. तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 है. तो हम 5 का ट्वाइस करेंगे, मींस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 10 आ गया. उसके बाद में क्या है, जो रिमेनिंग लास्ट जो रिमेनिंग डिजिट है हमारी, रिमेनिंग डिजिट से जो आपका नंबर फॉर्म हो रहा है, तो नंबर क्या बचेगा लास्ट में रिमेनिंग से, 332 हमारा रिमेनिंग बच गया. उसमें क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है. डिफरेंस किस किस का लेना है, जो आपका रिमेनिंग बचेगी डिजिट उससे जो नंबर बनेगा उसका, और जो ट्वाइस होगा लास्ट डिजिट का उसका. तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 322 ये डिफरेंस आ गया. अब जो डिफरेंस आएगा उसे चेक करना है, या तो वो डिफरेंस आपका जीरो आना चाहिए या फिर वो 7 का मल्टीपल आना चाहिए. 7 का मल्टीपल मींस वो 7 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए. नाउ वी डिवाइड, अब हम डिवाइड करेंगे 322 को 7 से. तो 7 से डिवाइड करेंगे 322 को, 7 फोर जा 28, तो लेफ्ट बच गया हमारा 4, देन 2, देन 7 सिक्स जा 42. तो हमारा ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है. इसका मीन्स हमारा जो गिवन क्वेश्चन है 3325 है, ये हमारा डिविजिबल है 7 से. तो हम लिख देंगे 3325 इज डिविजिबल बाय 7. मीन्स आपने, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको गिवन क्वेश्चन में जो लास्ट डिजिट होगी उसका तो ट्वाइस लेना है, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा, जो रिमेनिंग डिजिट बचेगी उससे जो नंबर बनेगा, मतलब 332 हमारा रिमेनिंग बचा, उसमें से हमें जो ट्वाइस आया उसको माइनस करना है. माइनस करने पर जो आंसर आएगा उसको चेक करना है, या तो अगर वो जीरो आ जाए या फिर वो 7 से डिविजिबल हो. 7 से डिविजिबल मतलब वो 7 से कंप्लीट डिवाइड होता हो. अगर वो कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो 7 का डिविजिबल है, अदरवाइज वो नहीं है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit are divisible by 9. मतलब आपको कोई भी एक नंबर गिवन होगा उसकी आपको सभी डिजिट का एडिशन करना है, सम करना है, और जो सम आएगा अगर वो सम 9 से डिविजिबल है, 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो वो आपका 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. और ये वाला जो रूल है, दिस इज द सेम एज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. ये रूल आपका 3 पर भी अप्लाई होता है. नाउ वी टेक एन एग्जांपल, 5886 आपको गिवन है, हमें चेक करना है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है. तो हमें क्या करना होगा, डिजिट्स का एडिशन करना होगा. तो 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 एडिशन करते हैं, 5 और 8 13, 13 एंड 8 21, 21 और 6 27. तो हमारा क्या आया, ये 27. अब हम 27 को चेक करेंगे कि वो 9 की टेबल में आता है या नहीं आता. तो 9 की टेबल में हमारा 27 आता है 3 टाइम्स, तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा. तो हम नेक्स्ट स्टेप में राइट कर देंगे 5886 इज डिविजिबल बाय 9. मीन्स क्या करना है, जो गिवन नंबर होगा उसकी सभी डिजिट्स का एडिशन करना है. एडिशन करने पर जो आंसर आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल है, मतलब वो 9 की टेबल में आता है, तो वो डिविजिबल है 9 का, अदरवाइज वो नहीं है. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू सो मच.